वेलकम बैक टू आवर चैनल रंजाकर व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज की डेट मैं बता देती हूँ, आज है 21 तारीख और कल है वो दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था बहुत ही लंबे टाइम से। और बताओ क्या है? क्या है, हनुमान जी किसके फ्रेंड है? पहले हनुमान जी किसके फ्रेंड है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ ना। हनुमान जी फ्रेंड की है राम जी के। यस। कल सो गाइस, कल का दिन तो बहुत ही धूमधाम से मना नहीं है। आपको लाइटिंग्स वगैरह दिख रही हुई बालकनी से, सब लोगों के घर सज गए बहुत ही शानदार। और हम लोग एक्चुअली जोधपुर से कल ही आए, हम लोग गए थे एक शादी में और पीयू की थी विंटर वेकेशन। सर्दियों की छुट्टियां थी, काफी लंबी हो गई थी क्योंकि दिल्ली की ठंड बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पे स्कूलों में और छुट्टियां कर ली थी, तो हम लोग घर चले गए थे और कल ही आए हैं। और हमने कभी भी यहाँ पे दिवाली ऐसे अकेले हमने कभी नहीं मनाई, हम हर साल हर दिवाली पे घर चले जाते हैं। तो वैसे हम लोग सब लोग वो दिवाली तो हमेशा से मनाते ही आए हैं, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक बार फिर से ये दिवाली मनाने का मौका मिला। तो इसको बिल्कुल आपको ना, मतलब इस मौके को छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसको मनाना है। और हमें भी पहली बार मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पे दिवाली मनाएंगे। हालांकि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा कोई मम्मा बंदोबस्त नहीं है, लाइक हमारे। मम्मा, हाँ आपको ब्लॉगिंग करना किसने सिखाया है? पता नहीं नाइस क्वेश्चन, किसने सिखाया हाँ नहीं बताओ, पता। एक मिनट में बात कर लो, फिर हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैं एक्चुअली बताऊँ ना। मैं बताती हूँ ना, रुको। सो गाइज, हमारे पास ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग डेकोरेशन का ज्यादा सामान है नहीं, क्योंकि हम लोग दिवाली में 10 दिन पहले घर भाग जाते हैं। तो हमने आज दिए खरीदे हैं, मैंने पानी में भिगा रखे दिन हैं, पहले भाग जाते हैं, पानी में भिगा रखे रन हैं। करके जाते हैं क्या? और बस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर सोसाइटी में थोड़ा सा एक ग्राउंड लगाने के लिए, क्योंकि हमें बता रहे थे कि सोसाइटी बहुत ही जबरदस्त डेकोरेशन करी है लाइटिंग वाइटिंग की। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जाके एक राउंड लगा के आते हैं और देखते हैं क्या क्या तैयारियां हो रही है, और आपके साथ भी शेयर करते हैं और हमारी। साथ साथ हम चॉकलेट भी हाँ, इस लेंगे। लड़की को चॉकलेट लेनी, मेरा सर खा चुकी है, मुझे कुछ चॉकलेट खिला दो खिला दो। और हमारे बैग वैग सब ऐसे ही पड़े हैं, तो अभी इसको भी ठीक करना, थोड़ा सुनो घर को भी ठीक करना, वापस सुनो आके अंधेरा हो चुका है। गाइस, हाँ गाइस ये देखो, पापा के भी ना, ये जो जोधपुर में आए थे ना, ये पीले चावल है इसमें, और ये कार्ड जो नानी उसाया था, और नानी और ये पीले चावल भी आए थे इसके साथ, अटैच करा हुआ है। अटैच करा हुआ जो हमारे पास भी आया। हम लोग कल इसको पीले चावल को लगाएंगे। कहाँ? चलिए गाइस, बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है। वैसे जोधपुर वाले व्लॉग्स थोड़े लेट आएंगे, क्योंकि अभी ऑब्वियसली उन व्लॉग से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कल का व्लॉग और कल का दिन, उसको सेलिब्रेट करना, उसको मनाना, और उसको टाइम से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे हालांकि हमारे पास ज्यादा कुछ स्पेशल करने को नहीं होगा, क्योंकि अमित की है ऑफिस सब जगह, जहाँ पे पूरे इंडिया में छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी है, वहाँ पे अमित की स्पेशल शिफ्ट लग चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे फील्ड में है। तो अभी ये इस राम मंदिर की ही इसी के लिए ही ड्यूटी लगी है, स्पेशल ड्यूटी लगी है। तो वो कल भी ऑफिस जाएंगे और आज भी ऑफिस ही है, और रात को काफ़ी लेट आएंगे, 10-11 बज जाएंगे उनको आते आते। तो घर होते तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे से मज़े से एंजॉय करते, लेकिन हम कल मैं और पी हूँ दो अकेले ही होंगे, तो लेट्स सी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमसे जितना हो पाएगा उतना करेंगे और मम्मा आपके साथ शेयर करेंगे। और इतने देर जोधपुर के व्लॉग्स मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी दिवाली है, ऑब्वियसली दिवाली है, वो सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है, तो इसकी तैयारी करनी है, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हमेशा मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, लेकिन अब ये इतनी बड़ी हो गई कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ऐसे सेलिब्रेट करना, ये करना, वो करना, वो करना। तो चलो भाई करते हैं, जैसा इसको पसंद है, जो जो इसको चाहिए वैसे वैसे करेंगे, और वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मैं बाहर जाती हूँ आपको दिखाती हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बहुत लेट हो जाएगा फिर। आर यू एक्साइटेड? क्यों? नहीं हो डेकोरेशन देखने के लिए? पहुंच गए हम लोग, इतना अच्छा बन गया हमारा पूरा का पूरा, वाह। हाँ, यहाँ पे लॉबी न्यू बन गई, देखो सब कुछ बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें काम चल रहा था, बन गया। हम लोग जब जोधपुर थे तब बन गया। चलो देखा, फ्लैग लगा हुआ है, हर हर लाइट पे फ्लैग लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, हर जगह फ्लैग लगा हुआ है। देखो यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है इनके घर में। चलो हम लोग पहले वहाँ से घूम के आते हैं, यहाँ से आगे से। ओके। हाँ, सब वॉश भी किया सारे रास्ते।
देखते हैं पोस्टर भी राम जी का दिख जाएगा अभी। ये देखो अंदर उसको हट को भी डेकोरेट किया लाइट से, और ये हर जगह देखो फ्लैग्स लगाए। वो देखो कितने सारे घर में लाइट्स लगी है, ऊपर से देखो नीचे तक सब में बालकनी सब ने डेकोरेट किए। यहाँ पे यहाँ पे वाह क्लब हाउस भी बहुत सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा डेकोरेट किया छोटू यार। गजब हवा, ठंड लग जाएगी आपको। मैं तो कैप पहन रही हूँ, पियू ने भी पहन रखी है। मुझे तो लग रहा है मुंह पे लग रही है ना, बहुत ठंडी हवा लग रही है। सबकी बालकनीज डेकोरेट है, सबकी बालकनी में देखो फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। लेकिन एक इसके नहीं लगे हुए, हमने भी नहीं लगाया भैया। आ जाओ, बड़ी प्रिटी प्रिटी लग रहे हैं फ्लावर्स। ऊपर नहीं जाना है, डोंट टच एंड डोंट गो देयर। नो क्या क्या है ऊपर बताना। ओ यस यहाँ लगे हुए देखो, वाओ सो ब्यूटीफुल। पूरी सोसाइटी क्या सुंदर डेकोरेट की है, सब जगह से आपका पार्क भी कर दिया है। ये यहाँ से एंट्री, स्केटिंग रिंग, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह ये देखो कल और कुछ कुछ होगा यहाँ पे, देख लो सारा सामान आ गया है। हाँ ये देखो और पोस्टर्स भी आए हैं, ये देख लो इनका भी कुछ होगा कल। और क्या, ये हमारी एंट्री वेंट्री देख लो क्या डेकोरेट करी है। आराम से जाओ ना पीहू, मम्मा के साथ। अरे अब क्या करना है, पहले चॉकलेट लेनी है क्या? ये खाली हो गया क्या यहाँ का कैफे? आ रही हूँ, पीहू को लेनी है चॉकलेट। पुरानी नहीं है बेटे, बहुत डार्क वाली है, बहुत ज्यादा डार्क होती है, आपको आप नहीं खा पाओगे। आप ये वाले ले लो, नहीं तो फिर ये ले लो किटकैट ले लो। ले लो नया ट्राई कर लो, फिर ऐसे मत बोलना कि मुझे वापस से कुछ और खाना है। ठीक है मंदिर चलते हैं, यहाँ से बंद है क्या? यहाँ से आ जाओ, फिर उधर से आ जाओ। अच्छा सुनो पीहू इधर से आ जाओ, इधर से मेन रोड से चलते आ जाओ। और यहाँ पे तैयारी चल रही है देखो छोटू कल के लिए, टेंट लग गया देखो। निकी जय। देखो कितने सारे दिए, देखो कल लगेंगे इतने सारे दिए पूरे भर के, पता है? हाँ मंदिर में लगेंगे इतने सारे दिए। हाँ यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही है कल के लिए। बढ़िया लग रहा है छोटू, कैसा लगा आपको सब कुछ? अच्छा लगा। दिवाली वाली डेकोरेशन तो हम देख नहीं पाते हैं, घर चले जाते हैं। इस बार देख लिया हमने, आज कैसे देख लिया? आज हमने राम जी वाले देखा।
मतलब दिवाली पे भी ऐसा ही डेकोरेशन होता है ना, सेम टू सेम। यहाँ पे पियू वेट करता है अपनी कैब की, मम्मा लेने के लिए आती है पियू यहाँ पे। बेटू अब इस पे नहीं, अभी बहुत ठंडा है, हवा बहुत तेज हो रही है। आ जाओ मैं जा रही हूँ। पियू पहले अंदर आ जाओ बेटा, फिर चॉकलेट खा लेना। सो गाइस हम लोग वापस आ गए घर, और भाई साहब क्या ठंड थी, क्या ही ठंड थी, मतलब फ्रीज हो गए हम लोग, जम गए पूरा का पूरा, इतनी तेज हवा बता नहीं सकते। हाथ मतलब फ्रीज हो गए, फ्रीज हो गए, मतलब जोधपुर में तो कुछ भी नहीं था। इतनी दिन में इतनी तेज धूप होती थी ना कि बस। हमने वहाँ पे शादी में रात को इवन बंदोली में, संगीत में, और शादी वाले दिन एक दिन भी हमने शॉल स्टॉल जैकेट स्वेटर कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना। वहाँ पे इतनी ठंड लगती नहीं थी रात को, और दिन में तो बिल्कुल भयंकर वाली धूप होती थी। हम लोग घर से मतलब शादी में जाते थे एसी चला के जाते थे गाड़ी में, और यहाँ तो मैंने धूप नहीं देखी कल से। और पूरे दिन हमारे रूम के अंदर हीटर चलता है, लाइक 24 घंटों में से 20 घंटे हीटर चलता है। रात को हमें ज़्यादा बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, और रात को कभी भी बंद कमरे में हीटर चला के नहीं रखना चाहिए। मतलब जो कि हमारे पास है हम लोग नया खरीदेंगे, जो हम पूरी रात चला सकते हैं सेफ रहता है, लेकिन ये वाले थोड़े से जो हीटर्स होते हैं वो वाले थोड़े से सफोकेशन कर लेते हैं कई बार। बहुत सारे ऐसे हादसे भी हो जाते हैं बंद कमरे के अंदर, जो वेंटिलेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, तो इसलिए हमें बार बार उठ उठ के उसको बंद ऑन बंद ऑफ बंद ऑफ बंद और ऑफ, तो एक ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा घर सेट करना है फॉर टुमारो, कल के लिए थोड़ा सा घर सेट करते। घर काफी बिखरा पड़ा है, यहाँ पे अमित का टिफिन, यहाँ पे ये नेबुलाइजर, यहाँ पे क्या बोलते हैं ये टोस्टर, यहाँ पे मिक्सर, मतलब सारा सामान इसी पे ही रहता है। हाँ बेटा, करेंगे करेंगे, मेरे हाथ नॉर्मल हो जाए। पहले रूम में चले गया, थोड़ा हाथ पैर गर्म कर ले गया। पीयू क्या खा रहा है? गमा गम पराठे, और मम्मा के लिए बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। अच्छा लगा? कैसा बनाया आंटी ने? यमी? हाँ, तुम्हें निकल रहा है मुंह से ये तो ऐसे ही निकल रहे हैं, इतनी ठंड है। सो गाइस मैं आपको हर बार इसी जगह पे मिल रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि अभी डिनर हो चुका है, हमारा टाइम हो रहा है 9:30, और अमित तो आए नहीं है, लेकिन पीहू चली गई अपने फ्रेंड के घर पे, जस्ट सामने वाला फ्लैट है, तो वही लोग आए थे पीहू को लेने के लिए कि भेज दो भैया पीहू, बहुत दिनों बाद मिली है उसके फ्रेंड को, खेलने के लिए चली गई। और अभी संडे वनडे है, कल वैसे भी छुट्टी है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो कुछ कर लेते हैं काम वाम। ओके, पहले थोड़ा सा फोन चला लेती हूँ, 10-15 मिनट। यार यही होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फोन लेके बैठ जाता है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट फोन के पीछे होता है सच में, कसम से। थोड़ी देर देख लेती हूँ फिर काम करेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे हो चुके पीयू और पीयू के पापा की जबरदस्त फाइटिंग, क्योंकि क्योंकि पीयू ने अभी स्टेटस देख लिया व्हाट्सएप की, पापा के बर्थडे में हम लोग गए थे बाहर कैफे, और कैफे में हम लोग खेल रहे थे कोई गेम्स, और वो हमने पीयू को लेके नहीं गए, और पीयू ने अब देख लिया कि हम लोग कहीं गए थे, पीयू सो चुकी थी। और अब पीयू फाइटिंग कर रही है कि मुझे लेके क्यों नहीं गए। बिट्टू रात के 2 बज गए थे, आपको रात को 2 बजे 3 बजे कहीं बाहर थोड़ी लेके जा सकते हैं। हाँ तो आप लेके जाएंगे ना दिन में, चलो चलो रेडी हो जाओ, पापा उठो खड़े हो जाओ, जैकेट पहनो, चलो अभी रात हो गई है, लेके चलते हैं, चलो खड़े हो जाओ, उठो। पीयू यहाँ पापा है ही नहीं, यहाँ पिलो है, पापा कहीं और है। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। पीयू बोलो।